शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अरे जा रहे हमें, छोड़ो, हटिए। ये देखो उर्वशी चौधरी के कारनामे, यही है एक बिन बिहाई माँ, पहले एक नाजायज बेटा और अब एक ड्राइवर के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए देखा गया है। औरत होकर दूसरी औरत के साथ ऐसा सुलूक करते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? काले कारण इसके, मुँह काला ये करे और शर्म हम करे। वैसे तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? कहीं इसके नाजायज बच्चे के बाप तुम ही तो नहीं हो? हाँ, यही है इस बच्चे का बाप। उर्वशी का पति, इसलिए इसे बोलने का हक है। ये क्या कर रहे हैं आप? गौरव बेटा, हमारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में। हम तुम्हारे पांव पड़ते हैं गौरव, हमारी इज्जत की पगड़ी समाज में उछल रही है, अब वो तुम्हारे कदमों में है, प्लीज उसे बचा लो। हमारी लाज रख, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हाथ फैला कर तुमसे भी हमारा राजनीतिक करियर, ये परिवार की इज्जत, ये घर, हमारी बेटी का चरित्र, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब सिर्फ तुम ही बचा सकते, हमें बचा लो, हम बचा लो गौरव। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? कैसे विश्वास करें कि तुम ही इस नाजायज बच्चे के बाप हो? तुम्हारा नाम तो कहीं नहीं है इसके जन्म के प्रमाण पत्र में। नाजायज बच्चों को पुलिस की हिरासत में रखा जाता है। इस जैसी औरत का साया इस मासूम बच्चे पर ठीक नहीं है। हमें इस बच्चे को इस घटिया माहौल से दूर रखना होगा। सिर्फ बच्चे को ही नहीं, हमें बेहतर समाज के लिए इन जैसे गिरे हुए नेताओं को कुर्सी से हटाना होगा, तभी समाज की प्रगति होगी। प्लीज रुक जाइए, प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, प्लीज प्रिंस को छोड़ दीजिए, उसे कहीं मत लेके जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। आप लोग हमारा यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं, गौरव ही उर्वशी का पति है और इस बच्चे का पिता है। तो साबित करिए, हमने आज तक आपकी तरह पाखंडी और कपटी नेता बहुत सारे देखे हैं, जो अपने मतलब के लिए दूसरों की जिंदगी के साथ खेलते हैं, और हमें पूरा यकीन है कि आप भी उन्हीं में से हैं। हम कोई पाखंड नहीं कर रहे हैं, गौरव हमारा दामाद है और ये सत्य है। हम नहीं मानते आपकी ये बात। इस लड़की का हर मत के साथ अय्याशी करने का शौक हो, उसकी औलाद जायज कैसे हो सकती है? ऐसी लड़की को समाज में जीने का कोई हक नहीं है, इसे तो जूतों के हार पहनाने चाहिए। खबरदार, मेरी बेटी के बारे में एक भी शब्द बोला दो। आप लोग कुछ भी आनाम से ना बोले जा रहे हैं। हमें टोकने से पहले अपने परवरिश पे ध्यान दिया होता, अपनी बेटी के भटकते चाल चलन को टोका होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। सुधा जी, बेटी के बिगड़ते कदमों की वजह माँ ही होती है। ये हार तो सबसे पहले आपको ही पहनाना चाहिए। कुछ मत कीजिए, जो सजा देनी है मुझे दीजिए, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। पापा ने जो कुछ भी कहा ना, वो बिल्कुल सच है। उर्वशी मैडम, ये आप प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। अच्छा, तो सच है तो इसे पूरे देश के सामने साबित करिए, इसे अपना पति स्वीकारिए, इससे शादी करिए, पूरी मीडिया और समाज के सामने अभी के अभी। अब क्या हुआ,
सांप सुन गया वो मैं। प्यार करते हैं। अच्छा आज शाम को तैयार रहना, तीज की पूजा के बाद ठीक शाम 7 बजे हम तुम्हें एक सरप्राइज देंगे। चलो हम गांव चलते हैं और अपना गहना पूरा करते हैं। कौन देखे हमारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में, हमारी लाज सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नाजायज बच्चों को पुलिस की हिरासत में रखा जाता है। याशी करने का शौक हो समाज में इसकी औरत कोई हक नहीं है। सब ठीक है, हार पहना नहीं चाहिए। वो मैं हमें प्रिंस को बचाने के लिए और मीडिया को यहाँ से भेजने के लिए करना होगा माधव। उर्वशी सच बोल रही है। अगर ये सच है तो अभी के अभी इसकी मांग भरो। हम सबके सामने इसके साथ साथ तेरे लोग है हिम्मत ये करने की, है हैसियत अपने रिश्ते को साबित करने की। मुझे कुछ भी साबित नहीं करना। गौरव सुनो, मैं मेरे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। हमने प्रिंस के लिए हाँ कहा था। जानते हो ना तुम लोग कि क्या करना है। मैं बस कॉल कर दूंगी, टाइम पे वहां पहुंच जाना। आज गहना को तीज के दिन गौरव सरप्राइज नहीं बल्कि मुझसे सबसे बड़ा शॉक मिलेगा। आज तीज के दिन गौरव और मेरी शादी होगी। आज हम इस नाजायज रिश्ते को जायज बनाकर ही जाएंगे। कैसी लगी हमारी परफॉर्मेंस? आप चिंता मत कीजिए, आप ये शादी लाइव टेलीकास्ट करवा कर लीजिए। अरे ये इतना भारी क्यों है? कपड़े तो इतने भारी नहीं होते। आखिर है क्या इसमें? सारे नौकर कहाँ मर गए कावेरी? सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा हाँ बोलना हमें यहां तक ले आएगा।
ये सब रोक क्यों नहीं रहे? जो हो रहा है होने दो, हमारी इज्जत नीलाम नहीं हो रही है, इतना काफी है। चुप रहो। अरे पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। हमने गहना को वादा किया था कि आज शाम को 7 बजे उससे हम अपने प्यार का इजहार करेंगे, लेकिन ये क्या हो रहा है? हम उर्वशी मैडम से शादी करने जा रहे हैं। हमारा गौना अधूरा रह गया गहना, हमें माफ करना। तू चिंता मत कर, हम आ गए हैं ना, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम मुझे लेने आओगे ना गौरव? हाँ, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। कहना तुम ही आकर इस सब को रोक लो, हमारी तो अब हिम्मत नहीं है। कोई है? बोलो। खोलिए। हमारी सहायता कीजिए। पता नहीं हमारा दिल क्यों बैठा जा रहा है, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। गौरव जी, सिंदूर लगाइए उर्वशी जी को। कर दो हमारी माँ और कर दो गौना को। तोहफा तो इस बार गहना से हम लेंगे, 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा, और हम भी अपना एक वादा उसके साथ पूरा करेंगे, गौरव और गहना के गौने का वादा। गाना प्रेम तो इकरार।
थार प्रेम ही तो रीत है। बचपन के फेरे जवानी का सिंधु जो तू ना आया तो अधूरा रह जाएगा। तेरा मेरा गाना, तेरा मेरा गाना, तेरा मेरा गाना है, तेरा मेरा गाना। आपने तो साबित कर दिया कि उर्वशी आपकी पत्नी है और प्रिंस ही आपका बेटा है। तो अब चलिए अपनी पत्नी को पानी पिलाइए और इनका तीज का व्रत छुड़वाइए। ए लड़की, तुम इस घर की नौकरानी हो ना? चलो जाओ, साहब और मेम साहब को दोनों को पानी दो। उर्वशी को पानी पिलाओ। चाहती थी ना कहना कि हम तुम्हारा गौना कराएं। चलो हमारे साथ।
सब सब खत्म हो गया। पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।